हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल लर्न बॉटनी। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट हाइब्रिडोमा टेक्निक। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि मोनोक्लोनल और पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज क्या होती हैं। सो लेट्स सी। सो बेसिकली अगर हम बात करें तो हाइब्रिडोमा जो टेक्निक है इसका यूज बेसिकली हम करते हैं मोनोक्लोनल एंटीबॉडी के प्रोडक्शन में। ये टेक्निक बेसिकली हम लेबोरेटरी में यूज करते हैं और मोनोक्लोनल एंटीबॉडी के प्रोडक्शन के लिए ही इस टेक्निक को स्पेसिफिकली यूज किया जाता है। तो अगर हम एक नॉर्मल बात करें कि जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज है वो कैसे प्रोड्यूस होती हैं, तो बेसिकली इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो हमारे पास आप देख सकते हैं, हम एक ओवरव्यू पहले ले लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो एंटीजन है दैट इज इंजेक्टेड इन टू माउस। तो हमें बिकॉज एंटीबॉडी चाहिए तो सबसे पहले कि हम क्या करते हैं कि जो एंटीजन हमारे पास होता है उसको हम माउस में इंजेक्ट करते हैं, राइट। माउस में इंजेक्ट करने के बाद हम इसको आइसोलेट कर लेते हैं बी सेल से, यानी कि जिसे हम स्प्लीन सेल्स जो होती हैं, स्प्लीन जो सेल्स होती हैं वहाँ पर जो बी सेल्स होती हैं उनसे हम इसको आइसोलेट कर लेते हैं लिवर से बेसिकली, राइट। तो हमने क्या किया, इंजेक्टेड एंटीबॉडी इंजेक्ट करी सबसे पहले माउस में, देन उसको आइसोलेट कर लिया बी सेल से माउस की, राइट। तो अब यहाँ पर क्या होता है कि जो बी सेल्स है इनका लिमिटेड लाइफ स्पैन होता है, तो इस वजह से हमें क्या रिक्वायरमेंट होती है कि हम जो ये बी सेल्स हैं तो इनको हम फ्यूज करते हैं कैंसर सेल्स के साथ, राइट। यहाँ पर हम देख सकते हैं कैंसर सेल जो कि माइलोमा सेल्स भी होती हैं, तो हम इनको फ्यूज कर देते हैं बिकॉज जो कैंसर सेल है उनकी प्रॉपर्टी क्या है कि वो अनलिमिटेड ग्रोथ जो है करती रहती है लगातार, अगर एक बार जहाँ से ग्रो कर जाए तो वो कंटिन्यू ग्रोथ करती है। तो इस वजह से हम यहाँ पर जो है माइलोमा सेल्स को फ्यूज करते हैं बी सेल्स के साथ, क्योंकि ये जो है बी सेल जो है इनका लिमिटेड लाइफ स्पैन होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो बी सेल्स है वो आपको फ्यूज, मतलब हम लेबोरेटरी में फ्यूज करते हैं माइलोमा सेल्स के साथ में, तो फ्यूज होकर जो है हमें इस टाइप की सेल्स मिलेगी, यानी कि दोनों का मिक्सचर हमें मिल जाएगा। तो उसके बाद हम इसका यूज कर लेते हैं बेसिकली मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज के प्रोडक्शन में इन लेबोरेटरी में, राइट। तो ये हमारा एक ओवरव्यू है कि ओवरऑल जो ये प्रोसेस है मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज की वो कैसे होती है, राइट। फिर उसके बाद इसके कुछ स्टेप्स आते हैं, तो लेट्स सी कि इनके क्या क्या स्टेप्स होते हैं। हम अभी यहाँ पर बेसिक स्टेप्स ही कवर करेंगे, डिटेल का वीडियो में आपको अगले लेक्चर में जो है उसके बारे में डिस्कस करूंगी। तो यहाँ पर हमने देखा ओवरव्यू, तो अब हम यहाँ पर देख लेते हैं कि किस तरीके से फ्यूजन होता है, क्या होता है। सबसे पहले हमने क्या किया, जो स्प्लीन सेल्स हैं जो कि बी सेल्स है, हमने आइसोलेट जो स्प्लीन सेल है उस वहाँ पर जो बी सेल्स हैं उनसे हमने सेल्स आइसोलेट की है, ये हमें मिली है माउस से, राइट। और ये माइलोमा सेल्स है जो कि हमें मिली है जो कि कैंसरस सेल्स है, राइट। तो यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पर हमने इन दोनों सेल्स का फ्यूजन करा, फ्यूजन करने के बाद हमें जो है डिफरेंट तरीके के कॉम्बिनेशन यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो पहला कॉम्बिनेशन अगर हम बात करें तो हमें कुछ सेल्स ऐसे भी मिल सकते हैं, क्योंकि ये जरूरी नहीं कि हमें 100% जो सेल्स हैं वो दोनों की फ्यूज मिले, क्योंकि हमें पता है कि लेबोरेटरी में डिफरेंट चांसेस हो सकते हैं हमें सेल्स मिलने के, अलग अलग सेल्स मिलने के। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर हम देखें फ्यूजन के बाद तो कुछ सेल्स तो हमें मिलेंगी जो कम्प्लीट बी सेल्स होंगी, राइट, यानी कि जिनका फ्यूजन नहीं हुआ है। कुछ ऐसी मिलेंगी जिनका मतलब जो हाफ फ्यूज हुई है, खुद से ही फ्यूज हुई है, राइट। यानी कि अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ये बी सेल्स ही हैं जो खुद में ही फ्यूज हो रही है, राइट, मतलब वो दूसरी सेल से यानी कि माइलोमा सेल से उनका फ्यूजन नहीं हुआ है। तीसरी सेल मिलेगी जो यहाँ पर बी सेल्स, ऊपर वाला बी सेल्स पार्ट है, यहाँ पर नीचे वाला माइलोमा सेल है, यानी कि ये हमें परफेक्ट कॉम्बिनेशन मिला है माइलोमा सेल्स और बी सेल्स का फ्यूजन होकर। नेक्स्ट आप देखोगे कि जो कुछ माइलोमा सेल्स ऐसी होंगी जो फ्यूज नहीं है, कुछ जो माइलोमा सेल्स है वो सेल्फ फ्यूज हो चुकी है। तो हमें जो है ये वाला कॉम्बिनेशन चाहिए, राइट, हमें कॉम्बिनेशन चाहिए जो कि दोनों का हो, मतलब मिक्सचर हो माइलोमा सेल्स का एंड साथ में जो मिक्सचर हो वो हो स्प्लीन सेल का, तो हमें फ्यूजन चाहिए। तो इस जो हमें जो ये सेल मिलेगी हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, राइट। हम जब लेबोरेटरी में ये चीज परफॉर्म कर रहे हैं तो हम उसको क्या कर लेंगे, इस जो फ्यूजन सेल्स है उसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद हम जब सिलेक्शन करते हैं, क्योंकि हम सिलेक्शन ऐसे ही तो परफॉर्म नहीं कर सकते कोई भी लेबोरेटरी में, उसका एक प्रॉपर स्टेप्स होते हैं हमें जो फॉलो करने होते हैं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको भी हम एलिमिनेट कर देंगे, इनको भी हम एलिमिनेट कर लेंगे और हम इसको क्या कर लेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे बाय यूजिंग दी हैट मीडिया टेक्निक। जो हम हैट मीडिया स्पेशली हम यूज करते हैं इस हाइब्रिडोमा टेक्निक में फॉर दी प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन ऑफ फ्यूजन, जो फ्यूज्ड सेल्स है उनके सिलेक्शन के लिए, राइट। तो यहाँ पर जब हम हैट मीडिया जो होती है, जो प्रोसेस होती है उसके थ्रू जब हम इसको जो सारी सेल्स है उसको जब हम
हम आइसोलेट कर लेते हैं, हम कह सकते हैं कि सेलेक्ट कर लेते हैं, तो उसके बाद हमें जो है एंटीबॉडीज यहाँ पर प्रोड्यूस होती है, यानी कि एंटीबॉडी का प्रोडक्शन हो जाता है। तो ये एक ओवर आइडिया है, ओवरव्यू है हम कह सकते हैं अबाउट मोनो अबाउट हाइब्रिड टेक्निक। तो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे कि जो हैट मीडिया है, किस तरीके से हैट मीडिया की को यूज करके हम जो है सिलेक्शन की जो प्रोसेस है परफॉर्म करते हैं और कैसे ये प्रोसेस रन होती है। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको कोई भी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम होती है, अगर आप कोई नया टॉपिक पढ़ना चाहते हैं, तो यू कैन कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।